नमस्कार आपण समस्तंकु तंत्र विद्या चैनल रे स्वागत। आज मु आपनकु पियाजर केते गुडी औषधीय प्रयोग विधि कहिबी सेटा भी एही आयुर्वेद दर्पण रु देखंतु समस्त पियाज को आमिष कहंती किंतु भाई देखंतु पियाज गोटिए चमत्कारी औषधीय पियाज द्वारा भी आपण माने असाध्य रोग को ठीक करि पारिबे। तो चलंतु फटाफट मु आपनकु कहूछि पियाजर औषधीय प्रयोग विधि स्टार्ट करबा पूर्व आपण समस्तंकु रिक्वेस्ट निश्चय करिबी आपण माने एही भिडीओ को लाइक करंतु चैनल टिको सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु एवं आपनको सांगो साथी मानको सहित शेयर निश्चय करंतु। प्रथम होला पेट रोग देखंतु जे कोनोसी बसतो आपनको पेट व्यथा होथाय ताहेले आपण माने केमिति प्याज को व्यवहार करिवे सेटा मु आपनको कहूछि। आयो 30 ग्राम आपण कोन करिवे प्याज नेबे सेठी आपण कोन करिवे जो कोला कोला गोल मर्च सेटा कम से कम 10टा मिसेबे एवं भलो भाबे चिकण करिक बाटी देबे आउ सेटा को आपण खाइ देबे। या द्वारा कोन हो कि आपणकर तृषा जो मानको अत्यधिक शोष होय सेटा मध्ये निवारित होबो आउ जो मानकर झाडा बांती हेउथिबो सेटा मध्ये अति सहज रे अति शीघ्र आपणको ठीक हेइ जिवो। जदि आपण पारिबे तो ता सहित सामान्य चीनी मिसेबे आ जदि खाइबे आहुरी चमत्कार भाबरे काम करिथाय। एटा कोष्ठकाठिन्य जो मानको होउछि से माने गुटे काम करिवे 3 चम्मच प्याज रस नेबे गोटिए कप गरम पानी नेबे एवं सेटा को मिसे देबे एवं जो समय रे आपण रात्रि रे सुअंती से समय रे आपण पी देबे तापर देखिबे सकालु आपणकर कोष्ठकाठिन्य ठीक हेइ जिवो माने आपणकर समस्त जो प्रॉब्लम जहाकि आपणकर लैट्रिन क्लियर हेइ जिवो। जदि कोनोसी व्यक्ति को कोनोसी कारण बशत बारंबार बांति हेउथाय ताहाले से माने कोन करिवे कम से कम 10 रु 15 टोपा प्याज रस नेबे एवं सेठी ठंडा पानी मिसेबे एवं सेइटा को पीबे ताहाले देखिबे आपनकर बांति हेबा ठीक हे जिवो। कोनोसी व्यक्ति को हेकुटी आसुथाय हेकुटी मा त आपन माने समस्त जानती हिचकी एटा को हेकुटी कहा जाय तापर कोन करिवे आपन 5 6 टोपा प्याज रस नेबे एवं पूरा ठंडा पानी सेठी मिसेबे अल्प ठंडा पानी मिसेबे एवं सेइटा को आपन 5 6 थोर व्यवहार करिवे माने आधा घंटा 15 मिनट छाड़ी की 5 6 थोर पीबे ताहले देखिबे आपनकर हेकुटी हेबा बंद हे जिवो। जदि कोनोसी व्यक्ति को अर्स होई थाए आ से माने मलत्याग कला समय रे तांकर ब्लड निर्गत हो थाए तो से माने कोन करिवे एथि पई 30 ग्राम प्याज नेबे एवं ताकु पानी रे भलो भाबरे बाटीबे एवं 60 ग्राम चीनी ता सहित मिसेबे एवं सेइटा को कोन करिवे प्रतिदिन दि थर लेखा आपण व्यवहार करिवे देखिबे आपणको रक्तार्श ताहा ठीक हेबाकू लागिवो मात्र आपणको एथि पई कोन करबा पर रेगुलरली 10 15 दिन व्यवहार करबाकू पडिवो। ता सहित आहुरी गुटे मथे उपाय कह दोची एही अर्स पई आपण कोन करिवे गोटे चामच प्याज रस नेबे एवं अल्प पूरा ठंडा पानी नेबे एवं सेइटा को कोन करिवे प्रतिदिन दि थर लेखा आपण यूज करिवे एही भाबे जति चो आपण 10 दिन यूज करंती ताहाले आपणको रक्तार्श ठीक हेबाकू लागिवो। जदि कोनोसी व्यक्ति मानकु कोनोसी कारण बशत दांत मूल रे पीड़ा हेउथाय तो से माने कोन करिवे गोटिए भलो प्याज नेबे आउ सेटा कोन करिवे पूरा चोबै देबे एवं कम से कम 5 मिनट पर्यंत आपणको पाटी रे सेटा को रखिबे तापर देखिबे आपणकर दंत मूल बिंधिबा ताहा संपूर्ण भाबे ठीक हबो किंतु देखंतु एटा आपणको 3-4 थर करबाकू पडिबो गोटे दिन रे। जदि कोनोसी व्यक्ति को कफ जमाट बांधे छाती रे तो से माने कोन करिवे आपण माने प्याज नेबे भल भाबे सेटा को छेचिबे एवं कम से कम 3-4 चामच आपण रस बाहर कर देबे आउ सेही रस को प्रति घंटे रे आपण कोन करबे 2-3 चामच व्यवहार करिवे ताहले देखिबे आपणको छाती रे कफ जमाट बांधिले से सब तरली जीवो। देखंतु एमिति अनेक लोक अछंती जे मानको कि सर्दी होइथाय भाई सर्दी हेला बहुत प्रॉब्लम होइथाय तेनु सरलिया उपायटि सुनंतु। जदि कोनोसी व्यक्ति को सर्दी रो प्रथम स्टेज होइथाय तो से माने कोन करबे कम से कम 2 चामच एही प्याज रस नेबे तापर सेठी आपण ठंडा पानी गोटे चामच मिक्स करिवे एवं सेइटा को प्रतिदिन 2-3 थर व्यवहार करिवे ताहले देखिबे आपणको सर्दी ठीक हे जिवो। जदि कोनोसी कारण बशतः नाकरु रक्त पड़े ताहले आपण माने कोन करिवे कम से कम 3-4 टोपा प्याज रस नेबे एवं सेही नाकरे पकेबे ताहले देखिबे आपणको नाकरु रक्त पड़िबा बंद हे जिवो। देखंतु एमिति अधिकांश लोक माने अछंती जे मानकर रक्तहीनतार शिकार होइथांती देखंतु एमिति अनेक लोक अछंती जे मानको ब्लड कम थाए बा से मानको रक्तहीनता कहा जाए तो से माने कोन करिवे प्याज रे प्रचुर परिमाण रे लोह थाए सेति पे आपण प्याज व्यवहार करिले आपणकर रक्त कमजोरी ठीक हे जिवो। देखंतु एमिति अनेक लोक अछंती जे मानको कि भातुड़ी होई थाए तो से माने कोन करिवे बटा प्याज को भातुड़ी उपरे घसीबे ताहले देखिबे सेही भातुड़ी टी ऑटोमेटिकली छेंडी पड़िबो सहित कोनसी जगह जदि आपणकर फुडा फुस्का जहां भी हेछि ताहले आपण कोन करिवे सेही प्याज को सेठी लगेबे ताहले आपणकर सेही फुडा फुस्का जहां भी हेथाउ से सब धीरे धीरे बसिबा को लागिबो नचेत फाटिबा को लागिबो। जदि कोनसी व्यक्ति हार्ट पेशेंट होइथांती तो से माने प्रतिदिन 100 ग्राम प्याज खाइबा निहाती आवश्यक पड़िथाय काहे कि देखंतु
आमे जदि प्रतिदिन 100 ग्राम प्याज खाइबा ताहले आमर जो धमनी थाए ताहा शक्तिशाली होई उठे आ जो आम हार्ट थाए सेटा मध्य शक्तिशाली होए फल रे आमको हार्ट अटैक हेबार चांस न थाए। जदि कोनोसी व्यक्ति को कर्ण रोग होई थाए माने सेमानकर कान रे किछि भी शब्द सुना जाए तो भा भा शब्द सुना जाए तो सेमाने कोन करबे प्याज रस नेबे आ सामान्य तुला नेबे एवं सेटा को भिजाई कि कान भितरे पकाइबे से तुला को भर्ती कर देबे किंबा जदि कान बथौछि ताहले आपण प्याज रस नेबे एवं सेटा गरम करिवे एवं कान रे पकेबे ताहले आपणकर जहां मध्य कान रो समस्या थाउ से सब निश्चय दूर हबो। किंतु एमिदि अनेक लोकक एही समस्या होई थाए जते बेले कि आमे परिश्रा करू आम जो अछि सेटा सेठी प्रबल मात्र जला पोड़ा होई थाए तेणु भाई सेटा भीषण यंत्रणा होई थाए आपण मन समस्त जानती तेणु मु ता विषय रे किछि अधिक कहू नै ताहले आपण कोन करिवे 500 ग्राम पानी नेबे आउ सेठी फाले प्याज पकेबे एवं सेठी भलो भाबे आपण सिझेइबे आउ जते बेले 500 ग्राम रु 250 एमएल रहिबो तापर सेठी को ओल्हेबे ठंडा करिबे एवं पीबे देखिबे आपण को परिश्रा जला पोड़ा संपूर्ण भाबे ठीक हे जिवो। जदि कोनोसी कारण बसत आपण को परिश्रा जीवा बंद होई जाय ताहले आपण माने कोन करिबे प्याज नेबे सेही प्याज को पानी सह घोरी कि आपण 60 ग्राम चीनी मिसेबे तापर सेटा को कोन करबे आपण पी देबे ताहले देखिबे आपण को परिश्रा सांगे सांग खुली जीवो। एमिति अनेक लोक माने अछंती जे माने परिश्रा को बेगरे करि पारंती नाही माने फटाफट परिश्रा करि पारंत नाही से माने कोन करबे 2-3 चम्मच प्याज रस नेबे एवं सेठी अल्प पानी मिसेबे एवं सेटा को रात्रि समय जो समय कि आपण सोंती से समय पीबे ताहले देखिबे आपणकर परिश्रा रो बेग गति बढ देखिबे आपणकर परिश्रा करिवार बेग वृद्धि हेबाकु लागिवो। देखंतु एमिति अनेक लोक अछंती जे मानकर काम उत्तेजना शक्ति कमी बाकरे लागिछि तो से माने कोन करिवे धळा प्याज नेबे ए प्याज को खांटी लहुणी रे भाजी प्रतिदिन सकालु थरे खाइबे एवं संध्या रे थरे खाइबे ताहले आपणकर काम उत्तेजना शक्ति निश्चय वृद्धि हेबाकु लागिवो। तो ता सहित आपणकु महु गोटे चमच मिक्स करके खाइबाकु पडिवो। आपण माने बिरी तो जानती आपण कोन करिवे बिरी को भल भाबे धोई देबे तार चोपा छोड़े देबे एवं सेटा को गुंड करिवे तापर आपण प्याज रस को सेठी मिक्स करिवे एवं 7-8 दिन पर्यंत गोटे जगह गोटे पात्र रखी देबे एवं ढांकुड़ी मारिक बंद कर देबे तापर सेटा को 7-8 दिन पूरीला परे ताको बाहर कर देबे सुखाई देबे एवं गुंड कर देबे तापर सेही गुंड को प्रतिदिन गोटे रु 2 चम्मच पर्यंत आपण सकाळु खाली पेट रे खीर सहित जदि खांती ताहे देखिबे आपण काम उत्तेजना शक्ति प्रबल रु प्रबल मात्रा रे वृद्धि हेबाकु लागिबो। देखंतु आजिकाली होउछि खरा दिन एमिति अनेक लोक अछंती जो मानकि सनस्ट्रोक होइथाय तो से माने निज सहित सबबेले प्याज 2-3टा रखिथिबे एवं जते बेले आपणकु सोसो लागुछि किंबा आपणकर मुंड भ्रमिबाकु लागुछि आपण मात्र गोटे प्याज खाइ देबे किंबा चोबै देबे ताहे देखिबे आपणक जते प्रबल खरा माड़ बाजिले मध्य आपणकर किछि मध्य प्रॉब्लम हबो नाही। आपण माने जानिले प्याजर औषधीय गुण आपण माने एहा आगरु एही विषयरे तो जानि नथिबे निश्चय किंतु आपण माने एबे जानि गले तेणु भाई आपण माने एहा निश्चय प्रयोग करंतु। देखंतु आमर अनेक गरीब भाई भौणी माने अछंती जे मानको पाखरे पैसा एते सफिशिएंट न थाए किंतु आपण माने सामान्य रु सामान्य फल मूल रे मध्य आपण भयंकर रु भयंकर रोग को आपण ठीक करि पारिबे सेतिपई एका मु आपण मानको सबु किछि एही चैनल रे जिते मध्य जड़ीबुटी अच्छी से विषय आपको सबकि ज्ञान देवाक जाऊँगी तेणु आपण मैंने चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु भाई देखु आज ना काली क्या क्या निश्चय दरकार पड़ो हे तो आपन को दरकार पड़ न पारे किंतु आपण सांग थी साथी थी ताकू भाई निश्चय दरकार पड़ो ताकूर पैसा नपण मैंने सब शिखी भाई आपण कौन क्षति हम ना बर आपण ज्ञान बढ़ो फल जदि कौन लोक को यह सब असुविधा होता है ताहले आपण मध्य तांकु कहि पारिबे आ से आपण को कहिबा द्वारा उपकृत होइ पारिबो। तेणु भाई आपण माने जदि पारिबे ए सब को नोट करके रखि थांतु होय तो जहां मु आपण मानकु कहूछि से सब बुझी पारु थिबे आ बुझी पारु न थिबे किंतु भाई मु उड़िया रे एका कहूछि तेणु आपण माने निश्चय बुझु थिबे तथापि बुझी पारु नहाती ताहले मु जो टॉपिक कहूछि सेटा को निश्चय बुझु थिबे तेणु भाई आपण माने ए सब निश्चय करंतु आ सब किछि जानि रखि थांतु। ओके भाई देखा हबो पुनी नेक्स्ट गुटे वीडियो रे सेते पर्यंत नमस्कार।